भटवाड़ा बासी मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आपको लाइव दर्शन कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिस्टर बनागंसा ये ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे अपनी व्हीकल जो है वो पार्क कर सकते हैं। एक साइड में आप देखेंगे ये सारी दुकानें बनी हुई है जहाँ पे बाबजी के लिए आप नारियल प्रसाद लेके जा सकते हैं, और दूसरी साइड में आप देखेंगे ये धर्मशाला बनी हुई है ठहरने के लिए, और काफ़ी बड़ा परिसर है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर का परिसर। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और भैरव जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 700 साल से भी ये ज़्यादा पुराना मंदिर है। अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो जातला माता से सीधा 9 मील चौराहे की तरफ आना होगा, वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर ही ये मंदिर स्थित है। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर आप रविवार के दिन यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़, भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रविवार के दिन यहाँ पर दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम पर आरती होती है, और सबसे ज़्यादा भक्त लोग रविवार के दिन यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपने संतान प्राप्त की इच्छा से यहाँ पे आते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। रविवार के दिन यहाँ पे पर्ची पे अपनी अर्जी चढ़ाते हैं, अगर पर्ची पे यस आता है, हाँ आती है, तो उनकी जो संतान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में यहाँ पे दो स्थान हैं, एक रगत्या बाबजी के नाम से और दूसरा भैरू जी के, इसीलिए इस मंदिर को रगत्या भैरू जी के नाम से जाना जाता है। अभी हम जिस बाबजी को दर्शन के लिए जा रहे हैं वो रगत्या बाबजी का स्थान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बावड़ी के नीचे ही यहाँ पे रगत्या बाबजी का स्थान बना हुआ है, जो अभी आप दर्शन करेंगे। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अभी आप दर्शन कर सकते हैं रगत्या बाबजी के। दोस्तों, इस मंदिर की बाहर की बनावट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग देवताओं की छोटी छोटी बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है, दोनों साइड में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, रगत्या बाबजी के दर्शन करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ भैरू जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी थोड़े बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ नहीं है यहाँ भी। अगर रविवार के दिन आते हैं तो ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आपको देखने को। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही मेवाड़ के प्रसिद्ध स्थानों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।